डीजल भरने के लिए पैसे ना होने से एम्बुलेंस समेत गर्भवती महिला एक घंटे से ज़्यादा देर तक पेट्रोल पंप पर फंसी रही। स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली को लेकर जिला प्रशासन सवालों के घेरे में है। शिवसेना ने उठाए प्रशासन पर गंभीर सवाल, क्या है पूरा मामला, घंटा भर कहाँ फंसी रही महिला, देखिए हमारी यह पूरी खबर। नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य, शिक्षा और अनाज यह आम जनता की मूलभूत अधिकार है। सरकार स्वास्थ्य सुविधा को लेकर करोड़ों रुपए खर्च करती है, किंतु क्या वो सुविधाएं सही में आम जनता तक पहुंचती है, यह एक बड़ा सवाल है जो इस तस्वीर के सामने आने के बाद अब निर्माण हो रहा है। यह जो तस्वीर आप देख रहे हो, दरअसल वो तस्वीर गोंडपिपरी तहसील में आने वाले ढाबा सरकारी स्वास्थ्य केंद्र की बताई जा रही है। 30 मई की रात को ढाबा इलाके की निवासी एक महिला को प्रसूति की पीड़ा शुरू हो जाती है, जिसे चंद्रपुर रेफर किया जाता है। जिस एम्बुलेंस से गर्भवती महिला का रेस्क्यू किया जा रहा था, वो एम्बुलेंस नज़दीकी पेट्रोल पंप पर जाकर खड़ी हो जाती है। एम्बुलेंस में डीजल डलवाने के लिए पैसे ना होने से एम्बुलेंस एक घंटे तक पेट्रोल पंप पर ही रुकी रहती है। पेट्रोल पंप और प्रशासन की कहासुनी के बीच गर्भवती महिला की जिंदगी भी एम्बुलेंस में अधेड़ में लटक जाती है। मंगलवारी ढाबा येथील गर्भवती महिलेला वेदना व्हायला लागला, त्याच्यानंतर तिथल्या डॉक्टरांनी चंद्रपूरला उपचारासाठी रेफर केले, परंतु ढाबा पीएससी मधून गाडी निघाल्यानंतर गोंडपिपरीच्या पेट्रोल पंपावरती आली आणि त्या ठिकाणी डिझेल टाकायला आरोग्य विभागाकडे पैसे नसल्याने त्या ठिकाणी एक तास चक्क ती रुग्णवाहिका थांबली आणि एक तासानंतर त्या ठिकाणी डिझेलची व्यवस्था झाली, पैशाची जुळवाजुळव झाली। याच्यामध्ये त्या महिलेचा जीव खरंतर धोक्यात टाकण्याचं काम आरोग्य विभागानं केलेलं आहे। ढाबा आणि गोंडपिपरी हे 12 किलोमीटरचं अंतर असताना देखील गोंडपिपरी येथील डॉक्टरांकडे ढाब्याचा चार्ज आहे। ढाबा येथे 3-3 MBBS डॉक्टर असून चार्ज मात्र त्यांच्याकडे नाही, ही बाब अतिशय गंभीर आहे। त्या महिलेचं बाळ आज दगावू शकलं असतं अशा अनेक घटना गोंडपिपरी तालुक्यात घडलेल्या आहेत। अनेक मातांना आपलं बाळ या आरोग्य विभागाच्या गलथान कारभारामुळे आजपर्यंत गमवावं लागलं, परंतु त्या महिलेवरती योग्य उपचार एक तासानंतर त्या ठिकाणी मिळालं। आज सुदैवानं ती महिला सुखरूप असून तिला एक बाळ देखील झालेलं आहे, परंतु या प्रकरण गंभीर असून या ठिकाणी जे दोषी अधिकारी आहेत त्यांच्यावरती कार्यवाही करावी। गोंडपिपरी तहसील का ढाबा सरकारी अस्पताल, जिसमें 3 डॉक्टरों की तैनाती है। डॉक्टरों को हेडक्वार्टर रहने का आदेश होने के बावजूद इस अस्पताल का एक डॉक्टर रोजाना चंद्रपुर से ढाबा अप डाउन करता है, ऐसा आरोप उन पर लग रहा है। 30 मई को जब एक महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है, उस महिला की तबीयत बिगड़ने लगती है, तब उसे चंद्रपुर रेफर किया जाता है। महिला को एम्बुलेंस ने रेस्क्यू किया, उसी वक्त डीजल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पर एम्बुलेंस को रोका गया, किंतु पेंडिंग बिल अदा ना करने को लेकर पेट्रोल पंप से एम्बुलेंस को डीजल नहीं दिया गया, जिसकी वजह से एक घंटे तक वो पीड़ित महिला एम्बुलेंस में फंसी रही। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जहां सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, जननी सुरक्षा योजना के नाम पर बड़ी बड़ी विज्ञापन देती है, तो ऐसे समय जब जननी को स्वास्थ्य सुविधा की अधिक ज़रूरत होती है, उस टाइम पर एम्बुलेंस टाई फिश हो जाती है। क्या यह सरकार और प्रशासन की गाल पर करारा तमाचा नहीं तो और क्या है? आखिर स्वास्थ्य सुविधा के नाम से आने वाला फंड जाता कहाँ है? कौन डकार रहा है स्वास्थ्य सुविधा का फंड? ऐसे अनगिनत सवाल अब निर्माण हो रहे हैं। टीम VL24 न्यूज़।